चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर वाला शॉल लेकर आई हूँ, जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है और बनाने में बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो इससे आप उलेन ब्लाउज, जैकेट या शॉल स्टॉल कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे देखिए मैंने गोल्डन कलर की मोती भी लगाई हुई है। ये देखिए लेस की तरह लग रही है, आप इसे चाहे बॉर्डर के भी तौर पर यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी। मैंने इसको पिंक कलर पर बनाया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन लाइट कलर रहे तो ज़्यादा ये डिज़ाइन खिल कर आती है। तो देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है, तो आप लोग भी बनाइए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। इसके लिए देखिए आपने बनाना है तो आप सबसे पहले डबल क्रोशिया की दो रो कंप्लीट कर लें। ये देखिए सिंगल डबल क्रोशिया की दो लाइन आपने कंप्लीट कर लेनी है। आपने जितने भी चैन अपने प्रोजेक्ट पे 100 रखना है, जितना भी रखना है आप उतना लेके फिर इसको आपने कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स, दो लाइन। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे दो लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हम तीन चैन लेंगे, थ्री चैन लेंगे, सिंपल सा थ्री चैन, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद इसको हम ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट चैन हमारी दिख रही है, ये देखिए जो हमारी फर्स्ट चैन दिख रही है, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया किया, सिंगल डबल क्रोशिया हमने करना है, फिर जस्ट इसी के बगल में हमने सिंगल डबल क्रोशिया किया। डबल क्रोशिया मीन्स फ्रेंड जहाँ पे हम दो फंदे लेते हैं। ये देखिए कितनी इजी डिजाइन है ये। उसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड वाले में देखिए, यहाँ पे भी डबल क्रोशिया, तो थर्ड वाले में हमने जो करना है फ्रेंड्स, दो बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए इसी इसी वाले में देखिए, हमने जो थ्री वाला हमारा चैन है उसमें हमने दो बार डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया कर लिया, अब हमने क्या करना है, ये फ्लावर हमने ये बनाना है। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए तीन तो ऐसे ही कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम ये जो हमने दो किया है, मतलब थर्ड वाले में दो चैन लिए हैं, डबल क्रोशिया किया है, तो इसी में हमने ये फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए देखिए हमने पहले तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ पे सेंटर में, देखिए इसी में, ये देखिए, फिर एक बार और हम लेंगे, देखिए हमने चैन को लेते हुए देखिए यहाँ पे तीन दिख रहा है, लेकिन वैसे हम करेंगे तो दो डबल क्रोशिया किया है। उसके बाद हमने तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद हम यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे कोई चैन नहीं लेना है, ना ही कोई फंदा लेना है, तो हम इसमें डाल के ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इसके, ये देखिए इसे हम ज्वाइंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हमारी पंखुड़ी बन गई है, ये देखिए यहाँ पे हमारी एक पंखुड़ी बन गई है। अब आपने क्या करना है, फिर हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद फिर आपने यहाँ पे ऐसे ही फ्लावर बनाना है, यानी पंखुड़ी बनानी है, डबल क्रोशिया, दो बार आपने डबल क्रोशिया करना है, फिर तीसरी बार आपने तीन चैन लेके, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद हमने यहाँ पे लाके जॉइंट कर देना है। देखिए जॉइंट हम ऐसे करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे दो पंखुड़ी बन गया। फिर हमने ऐसे ही एक और छह पंखुड़ी हमारी बनेंगी। अब फिर हम क्या करेंगे, तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद हमने फिर यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया करना है, दो बार डबल क्रोशिया हम करेंगे, लास्ट में हमने तीन चैन लेके ज्वाइंट करना है, एक दो
तीन तीन चैन लिया, अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे तीन जॉइंट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे तीन फ्लावर मतलब बन गया इसकी पंखुड़ी, छह टोटल हमने बनानी है तो तीन हमने बना लिया। अब क्या करना है, आपने ऐसे को घुमा लेना है। घुमाने के बाद आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा ये वाला चैन, हमने अब इसको पकड़ना है। देखिए इसको, ये जो हमने एक चैन में डबल किया था तो इसको पकड़ के अब हमने क्या करना है, तीन चैन लेना है, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ऐसे आपने घुमा के अब तीन पंखुड़ी हमारे इस साइड बनेगा। अब देखिए दो बार आपने डबल क्रोशिया करना है, तीसरी बार आपने तीन चैन लेके, तीन चैन लेने के बाद आपने यहाँ पे देखिए उसको स्लिप स्टिच के थ्रू बांध देना है। ये देखिए हमने अब यहीं पे थ्री टाइम यही करना है। जैसे हमने तीन बार यहाँ पे चैन बनाया, एक दो तीन, तीन चैन लेके आपने इसी को पकड़ के और इसी में हमने ये तीन पंखुड़ी बनानी है। दो बार डबल क्रोशिया करना है, तीसरी बार आपने तीन चैन लेके उसको बाइंड कर देना है। ये देखिए फिर एक दो तीन, तीन बार करके यहाँ पे हमने यहीं से लेके स्लिप स्टिच के थ्रू हमने इसको बाइंड ऑफ कर देना है। देखिए जी तो यहाँ पे हमारे टोटल पांच पंखुड़ी बन गई है। एक और बनाना है तो हम यहाँ पे चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद डबल क्रोशिया। बहुत इजी डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को आप शॉल, स्वेटर, वूलन ब्लाउज किसी पे भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने तीन चैन लेना है, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद हम इसी जगह से निकाल के और इसको देखिए ऐसे बाइंड कर देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये बनकर आई है। तो देखिए हमारे यहाँ पे पंखुड़ी ये छः छः की पंखुड़ी बन गई है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने पीछे से लेके ले जाना है। देखिए एक चैन ले लेंगे हम यहाँ पे, सॉरी तीन चैन लेना है, नहीं एक चैन लेने के बाद हम यहाँ पे इसको यहीं से कहीं से इंसर्ट लेना है ताकि हमारा पीछे की साइड से डिजाइन और यहाँ पे ऊन हमने कट ना करना पड़े। ऊन हम कट नहीं करेंगे और हमारी डिजाइन ये देखिए कितनी खूबसूरत ये पंखुड़ी बनी है। अब यहीं से हमने पीछे से तीन चैन लेना है। देखिए एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद आपने यहाँ पे देखिए जो हमारी फ्लावर के बाद फर्स्ट चैन आएगा फिर यहीं पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया करने के बाद ये देखिए फिर हम यहीं पे जस्ट डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चैन में हमने यही फ्लावर वाला कंप्लीट करना है। तो देखिए आपने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। जैसे एक फ्लावर बना है फिर यहाँ पे तीसरे में हमने फ्लावर बनाना है। तो देखिए कितनी इजी डिजाइन है, कितनी खूबसूरत ये डिजाइन बनकर आई है। तो आप लोग जरूर ऐसे बनाएं और जहाँ पे ना समझ में आए तो बताएं हमें। और ये मोती आप ऑप्शनल है, आप कोई सा भी मोती व्हाइट कलर का भी लगा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।